कर जाता है, उधर से वो जो सत्यानंद वजीर था उसके दिल में बेईमानी आ जाता है, भाई क्यों ना लाल बहार को खत्म किया जाए और ये सारा राजपाट मेरे हवाले हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब वो जो सत्यानंदी वजीर था वो जलातों को बुलाता है, आगे सांख के माध्यम से देखिए क्या होता है, सुनिए। राजा काल कर गया, गद्दी पर वजीर राजा बन गया, गद्दी पर बैठते ही दिमाग खराब हो गया मेरे दोस्तों। अपने मन में सोचता है कि ये लड़का लाल बहार जवान हो जाएगा, इस गद्दी का मालिक बन जाएगा। मन में सोचा क्यों ना इस लाल बहार को कत्ल करवा दूं, जान से मरवा दूं, फिर राजपाट मेरा है। जल्लाद को बुलाता है और कहता है कि लाल बहार को गिरफ्तार करो, जंगल में ले जाओ। क्या कहता है? अरे पलटू जल्लाद हाजिर है। हाजिर हुआ हूँ आपके दर पे सलाम को, करके इज्जत बख्शना मुझे से गुलाम को। अरे दिल रखता है, पत्थर फोड़ा लंगर गिरते पहाड़ को संभालू मैं, कुत्ते में आ जाऊं शेर की आंखें निकालू। अरे वाह, क्या कहने मेरे बहादुर जल्लाद। ऐसा करो, लाल बहार को ले जाओ और जंगल बियाबान में जाकर इसको खत्म कर दो। लाल कहा? लाल बहार को? सत्यानंद जी, क्या है, क्या बात करते हो? हाँ, लाल बहार को ले जाओ और कत्ल कर दू। हाँ, दिमाग ठीक है? क्या बात करता हो, बात ठीक करता हूँ। आपने भी और हमने भी उसका नमक खाया और उसको कत्ल करवाना था। अरे बदगुनाम, मेरी हुक्म अदूली करता है, समझो कि तेरा जन बच्चा कोलू में पिटवा दूंगा। हरगिज नहीं, मुतल्लिक नहीं, चाहे सजा दीजिए, लाल बहार के बदले मुझको दार दो। अरे मेरे बहादुर जल्लाद, आप मेरा कहा मानो, लाल बहार को ले जाओ और जंगल बियाबान में खत्म कर दो। ले जाएंगे क्यों? ले जाओ, मेरा हुक्म है ये। तेरा हुक्म है? हाँ, तेरा हुक्म है। हाँ, मेरा हुक्म है। अन्यायी, कर कपस में बन चिड़िया को तू ही सयाद है। कर कपस में बन चिड़िया को तू ही सयाद है, कहूं किसे सुनता नहीं, हर कम कहीं फरियाद है। ले पकड़ तलवार, कर कतल, आज ये तेरी औलाद है, अब मैं नहीं जल्लाद, इस वक्त तू जल्लाद है। अरे जल्लाद, आप मेरी हुक्म अदूली मत करो, मेरा हुक्म है कि लाल बहार को ले जाओ और जाकर इसको खत्म कर दो। बेईमान, आपने अच्छा नहीं किया, जाइए, ये मेरा हुक्म है। मत भूलिए कि आप एक वजीर हैं, हमने इस घर का नमक खाया है, तू हराम करता है। अरे जल्लाद, आप जल्दी से जल्दी ले जाइए और इसको खत्म कर दो, जाइए। बेटे लाल बहार, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? अगर मैं तेरे को कत्ल नहीं करूंगा तो ये बदतमीज वजीर मेरा जन बच्चा कोल्लू में पिटवा देगा। चलिए, किस्मत की बदनसीबी, दिन बुरे आने लगे। अरे किस्मत की बदनसीबी के दिन बुरे आने लगे, जिनको थी फूलों से नफरत वो ठोकरे खाने लगे। क्या कहता है लड़का, रोता है, क्या कहता है? चला दो, क्या कहना चाहता है लाल बहार? माया कहे मैं सबसे बड़ी, ये माया कहती है कि माया कहे मैं सबसे बड़ी, मेरी दुनिया पैरों पड़ती। ये हुस्न कहे मैं सबसे बड़ा, मेरी दुनिया जारत करती। ये अकल कहे मैं सबसे बड़ी, जो के बीच कचहरी लड़ती। तकदीर कहे तुम तीनों झूठी, मैं जो चाहे सो करती।
क्या कहता है? और चलला तो मन मत ना मारो, चलला तो मन मारो मत ना, क्या कहना चाहते हो? ए बाप मरे की चल्ला तो भाई के रे दिल पे ये चोट मने ये हाथ जोड़ के ये कहरा सुन ये क्यों मारो बिना खोट मने ये हाथ जोड़ के कहरा सुन क्यों मारो सो बिना खोट मने जाके दे दियो लाश तुझे मेरी माता ने सबर आ जाएगा जाके दे दियो लाश मेरी हरे आके अरे दास मेरी हरे आके अरे दास मेरी ते बहुत गला दुख पारा जू मारो मत ना।
बर्बादी होया करे वो खुद बर्बादी यार होया करे जो योरा ने बर्बाद करे यार जहां में दर्दी जो हाकिम हो और वहां क्या फरियाद करे जहां में दर्दी हाकिम हो वहां फरियाद क्या करे आज बेटा बाप ने ये याद करे हजे बेटा बाप ने याद करे अगर आपको कत्ल नहीं करेंगे तो हमारा जन बच्चा कोर्ट में भिड़वाया जाएगा क्या करें मेरी मजबूरी है बेटे कत्ल करना पड़ेगा मेरे सजनों जंगल बियाबान में लाल बहार को लिटा लेते कत्ल करने के लिए सजनो जाको राखे साइया मार सके ना को पालना बाका कर सके जग बैरी क्यों ना जिस टाइम जल्लाद कत्ल कर रहे थे तो राजा का एक दोस्त था रतन सिंह सरदार रतन सिंह सरदार शिकार खेलने जंगली बियाबान में फिर रहा था रोने की आवाज को सुन करके पास में आता है और क्या देखता है सुनिए ओ और जंगल के तलवार एक दो तीन सरदार रतन सिंह हाँ सरदार रतन सिंह ये बताइए किसके बेटे को कत्ल कर रहे हो ये राजा सूरज सिंह का बेटा राजा सूरज सिंह का बेटा लाल बहार उसको कत्ल कर रहे हो कत्ल कर रहे हैं शर्म नहीं आती जला दो उसका नमक खाते हो और नमक हराम करते हो सरदार रतन सिंह इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और किसकी गलती सरदार रतन सिंह मेरी बात सुनो राजा सूरज सिंह काल कर गए हैं और सत्यानंद वजीर के हाथ में इसका हाथ दे करके गए थे बिल्कुल तो सत्यानंद वजीर के आदेश है कि जलाद अगर लाल बहार को कत्ल नहीं करेगा तो तेरा जन्म बच्चा को लू में पिड़वाया जाएगा मेरी मजबूरी है सरदार रतन सिंह तेरी मजबूरी हाँ इसको छोड़ दीजिए जब तक दम में दम है मैं इसको मरने नहीं दूंगा वो मेरे दोस्त का लड़का है ये लाल बहार हम भी जानते हैं सरदार रतन सिंह हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं मार के मैं भी इसको राजी नहीं हूँ क्योंकि हमने राजा सूरज सिंह का नमक खाया है तो जाओ किसी हिरण को मारो मृग को मारो उसके आंखें निकालो और जाकर के दिखा दो वजीर को हमने कत्ल कर दिया सरदार रतन सिंह हम ऐसे ही करेंगे मगर ये लड़का और इसकी माँ इस राज्य में दिखाई नहीं देनी चाहिए ये मेरी जिम्मेवारी है ठीक है सरदार रतन सिंह मैं लाल बहार को छोड़ता हूँ लाल बहार को कत्ल नहीं करूंगा अरे मेरे सजनों लाल बहार लिया गोदी में करी थी चलन की तैयारी उसी जगह पर पहुंच गया मेरे सजनों जहां बैठी थी अबला नारी ए रानी साहब तेरा बेटा कहां है मेरा बेटा अपने कक्ष में होगा जो बेटे की ममता हो रानी राज की ममता तजदे राज की ममता हो तो बेटे की ममता तजदे ये क्या कह रहे हैं आप रतन सिंह क्यों तेरा बेटा लाल बहार
जल्लादों से बचा के लियाया रे, कहीं लेके दूर चली जा, उसके वंश को राजा के वंश को चलाया रे। जा रानी, इसको कहीं लेके दूर चली जा, अपने बेटे की जान बचा ले, वजीर मरवा देगा तेरे बेटे को। ठीक है, तो जाओ चली जा लेकर के कहीं वो दूर चली जा। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, सुरंग के रास्ते से रानी अपने बेटे को लेकर के चलती है और क्या कहती है, और सुनिए। हरिचंद्र
कथे और बत्ती ना दुनिया।